पौड़ी जवाहर नवोदय विद्यालय खैरासैंण के सभागार में विद्यालय की प्रबंधन समिति और सलाहकार समिति की त्रैमासिक बैठक हुई। बैठक में डीएम ने विद्यालय के समस्त अवशेष कार्यों को जल्द ही पूरा किए जाने के निर्देश दिए। संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही डीएम डॉक्टर विजय कुमार चुकतंडे ने विद्यालय के किचन का निरीक्षण कर परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों को तैयार भोजन की गुणवत्ता भी परखी। विद्यालय में परिसर में पौधरोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जवाहर नवोदय विद्यालय खैरासैंण में जल्द ही स्मार्ट क्लासरूम शुरू होंगे। इसके साथ ही विद्यालय में छात्रों के हित को देखते हुए सोलर लाइट, जिम, सुरक्षा होमगार्ड, मुख्य गेट पर रूट चौड़ीकरण, वाटर फिल्टर, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, भालू के खतरे से बचने के लिए वन विभाग का गश्त लगाने आदि प्रस्ताव पारित किए गए। कार्यदायी संस्था मंडी विपणन बोर्ड को निर्धारित समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम सतपुली संदीप कुमार, सीईओ डॉक्टर आनंद भारद्वाज, प्राचार्य डॉक्टर योगेंद्र पाल, उप प्राचार्य डॉक्टर जेपी बालूदी, ईई लोनवी, पीएस विष्ट, डीएसओ केएस कोहली आदि मौजूद रहे। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। जवाहर नवोदय विद्यालय में त्रैमासिक बैठक होती है विद्यालय प्रबंधन समिति का, उसका आयोजन किया गया था। अध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी उस बैठक में प्रतिभाग करते हैं और अन्य अधिकारीगण भी प्रतिभाग करते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति का बैठक में जो भी पूर्व बैठक हुई थी उसे समीक्षा किया गया। पूर्व में जो निर्माण कार्य प्रारंभ हुए सारे पूर्ण किए जा चुके हैं। पानी के समस्या जो पूर्व में थी उसका समाधान किया गया है। वर्तमान में फिल्टर की आवश्यकता के बारे में बताया गया, उसको भी हम लोगों ने आज अनुमति प्रदान किया है।